सीता, अरे मेरी नटखट प्यारी, कहाँ है तू? माँ जी बुला रही है शर्मन। रेखा की आवाज के साथ ही सीता छन छन करती पायल के साथ दौड़ती आती है। लगी है क्या? जानती हो, मेरी माँ कहती थी कि सीता नाम की लड़कियाँ कभी सुख की भोगी नहीं होती हैं। पर मैंने तो मेरे हिस्से की लड़ाई लड़ ली थी ना। देखा था ना आपने? देखा था ना दोस्तों? नहीं देखा तो जाकर देखिए, सब जंग लड़ चुकी थी। आपकी ये नन्ही बालिका वधू, आपकी सीता, तो फिर मैं क्यों जहान की नजरों से अपने इस घर को नहीं बचा पाई? आखिर क्यों? एक छोटी सी गुड़िया सीता, असली सीता माँ की तरह हर कदम पर अग्नि परीक्षा ही दिए जा रही थी। ये सीता बनी एक आदर्श बेटी, एक आदर्श बहू, एक प्यारी दोस्त और एक अभागिन पत्नी। वही मेरा शर्मन, मेरा बाबू, अपने पास जो हीरा था उसे छोड़ नकली सोने की चमक से आकर्षित हो बैठा और इसका फायदा उठाकर पूनम ने इस जिंदगी को नरक बना दिया। लेकिन कहते है ना, दुख के बाद सुख जरूर आता है और सुख के लिए लड़ना जरूरी है। वही लड़ाई इस सीता ने लड़ी थी, अपने गर्भ में पल रही औलाद को उसका हक और सम्मान दिलाने की लड़ाई। एक गृह दासिनी से ये सीता बनी भगवाधारी सन्यासिनी, पर अंजाम अभी बाकी है दोस्तों, जो अंजाम आप और मैं मिलकर लिखेंगे। इसी जगह आपकी बालिका वधु लौट आ रही है, यही लव सिटी पर। तो आप देंगे ना अपनी सीता का साथ? कहिए।